press conference here just to inform all the people in media and through you the entire people of Tripura that on the 30th of this month, September, we will be holding a one-day band in the ADC area to press for our demand for a constitutional with the government of India. The band will be from 6 a.m. to 6 p.m. But this is a beginning of telling the government of India that we want an early solution to our problem. And on the 30th of सेप्टेम्बर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ 30 तारीख सेप्टेम्बर में अपने डिमांड को प्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम एक आवाज की प्रार्थना बन के एडीसी एरिया में 12 घंटा का बंद रखेंगे। सब इसेंशियल सप्लाईज को हम आने जाने देंगे, एम्बुलेंस को आने जाने देंगे, लेकिन त्रिपुरा में 30 सितंबर में 6 बजे से सवेरे से लेकर 6 बजे शाम तक पूरा त्रिपुरा बंद रहेगा। इसलिए भी हम एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि हम इतने दिन से वेट कर रहे हैं, इसका अर्ली सॉल्यूशन का हल निकालिए, क्योंकि हमारे पास पेशेंस है लेकिन पेशेंस आर रनिंग थिन। एंड इन अ वे हम लोग एक सिम्बॉलिक बंद कर रहे हैं एक आवाज में दिल्ली को एक मैसेज भेजने के लिए कि हमें अपने इंडिजिनस लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन और डिमांड पर ग्रेटर की प्रलैंड होना है। तो ये आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूँ। तिपरा मौथा 30 सितंबर को एडीसी में पूरा दिन बंद रखेगा और मैं पूरे पब्लिक को, स्टूडेंट्स को, महिला को, जो भी अपना तिपरासा है उसको लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, पार्टी के साथ नहीं, जाति के साथ न्याय नहीं हुआ और हमें संवैधानिक सोल्यूशन चाहिए, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ 12 घंटे के लिए अपने जाति के साथ सॉलिडारिटी दिखाइए, एकता दिखाइए, खालसा दिखाइए और एक आवाज़ में हम लोग दिल्ली में मैसेज भेजेंगे कि हम लोग शांति से भी लेकिन सॉलिड होकर, एक होकर एक मैसेज दे सकते। इसी के लिए आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। दैट्स ऑल, आई थिंक दैट्स इट, थैंक यू। वो आपको हम बता देंगे प्रॉपरली अनाउंस करके, लेकिन दैट विल बी मेड पब्लिक टू यू। बट पूरा त्रिपुरा में एडीसी एरिया में, एडीसी एरिया में हमने पूरा बंद एडीसी एरिया, बिकॉज वी नो दैट आउटसाइड एडीसी एरिया त्रिपुरा मौथा हैज लिमिटेड इन्फ्लुएंस and why should we go and shut down shops of people who are not affected in a movement? I don't want any communal sentiments to come up. This is a message to the government of India from the Tiprasas. If other people want to support us, they are most welcome, but we will not force them. But from the Tiprasa community side, we will definitely send a message to the government of India that we want justice for our survival and existence of our people. प्रेशर रखना पड़ता है मैडम, प्रेशर रखना पड़ता है। प्रेशर नहीं रखेंगे तो कोई याद नहीं करता। हिंदुस्तान में त्रिपुरा बहुत छोटा स्टेट, उनको पास, उनके पास बहुत पूरा देश को चलाना है, तो अगर हम लोग अपना प्रेशर नहीं रखेंगे तो हमें कौन याद करेगा? तो हमको प्रेशर रखना पड़ता है। हाँ, हमने मिला है, अच्छे से बात भी हुआ है, मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन प्रेशर रखना पड़ता है क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में मनोरंजन भी तो आया नहीं, उनको अपना लोगों का बात भी तो बताना है, तो अगर उनके माइंड फ्रेम में नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा? तो हमको प्रेशर रखना है गवर्नमेंट में। देखिए, ये सवाल तो आपको सबसे पूछना पड़ेगा ना, मैं अकेला कैसा बोलूँ? लेकिन उनको प्रेशर में, मतलब उनके नॉलेज में रखना पड़े कि यहाँ में एक जेन्युइन सेंटिमेंट है और ये सेंटिमेंट पॉलिटिक्स से बड़ा है, ये सेंटिमेंट इमोशनल है,
ये सेंटिमेंट हमारे अधिकार का है। हम नहीं बोल रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल माइलेज करो, हमको संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। और वो आपने कार्बी अंगलोंग को दिया है, बोडो को दिया है, मेघालय को दिया है, मिजोरम को दिया है, आप दिमाशा को दे रहे हैं, तो हमें भी क्या प्रॉब्लम। जिस टाइम आपका साथ बैठक हुआ, सेवन टाइम बैठक हुआ, तो आपकी वो इनका मन में क्या है, वो सोल्यूशन चाहता है कि नहीं चाहता है? मुझे तो लगता है कि वो चाहता है, मुझे तो लगता है वो चाहता है पॉजिटिव, वरना मुझसे बार बार क्यों मिले? ऐसी तो नहीं मिलेगा स्टेट का होम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम मिनिस्टर मुझसे बार बार मिल रहा है, क्योंकि उनको सोल्यूशन चाहिए। लेकिन यहाँ में भी तो लोकल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग आवाज में दिल्ली में बात करेंगे तो फिर से क्लासिक केस होगा कि हम लोग डिवाइडेड हैं और कोई हमें और एल्स मूव करे। इसके लिए एक आवाज, एक आवाज उठाने से अच्छा होता है। जब ADC डिक्रिएट हुआ था तो संदन पत्रिका का अपना जो मालिक है इसके लड़ाई ही है श्यामाचरण त्रिपुरा, तो इट्स नॉट ओनली दैट टिप्रासा साहब, ओनली दैट टिप्रासा, आई होप दैट एवरीबडी एल्स आल्सो कम्स आउट। जब गांव में इतना गरीबी है, वो है, पानी का समस्या है, नौकरी का समस्या, आप खुद देखते अपने आप से, तो आपको भी हमारे लिए बोलना चाहिए। अमित शाह जी के साथ आप किस बारे में बात की? मैंने कह दिया कि मैंने किस बारे में बात की, एवरीथिंग इज ऑन द इशू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड सॉल्यूशन फॉर पीपल, और क्या बात करो। কিছুদিন আগে সাংবাদিক সম্মেলন আমাদের বলেছিল যে মথা থেকে TSP বেরিয়ে যাওয়ার পর, যেহেতু TSP তাদের বক্তব্য TSP ডেফিনেশনে ADC-তে নির্বাচনে মথা জয়ী হয়েছে, তো TSP বেরিয়ে যাওয়ার পর ADC সংকট দেখা দেবে বা ADC যারা সদস্য যারা জনপ্রতিনিধি তাদেরকে TSP-তে আসার জন্য বলা হচ্ছে, তো ADC-তে কি কোনো সংকট আছে মনে করেন? এটা TSP-র বক্তব্য, TSP আমি কালকা নতুন পার্টি আরম্ভ করতে পারি, আমি বলবো আমি কংগ্রেস কো অরিজিনাল, আর আমি বলবো কি আমাদের নেতৃত্বে এ হয়েছিল, এ হয়েছিল, আমার প্রেসিডেন্ট এই, আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট, এমন হয় না। আই গট ফুল লিগাল ডকুমেন্ট, সো দেখে কিছু যোগ বলতে বলে দিচ্ছে ডেমোক্রেসি, অ্যান্ড এ লোক বহুত সিনিয়র লোক, এজড লোক, তো সিস্টেম আপ চেঞ্জ হো গিয়া, ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া মে চেঞ্জ হো গিয়া, हम लोग ने जो भी किया किया। और अगर आदमी का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आदमी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, किसी को अगर नया पार्टी खोलना खोलिए, TSP खोलिए, TGF खोलिए, TKF खोलिए, CTAKP खोलिए, जो भी खोलिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपना एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जो डिमांड उठा रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और हमने अपने डिमांड में कॉम्प्रोमाइज टाइम से नहीं किया, तो जब हम गवर्नमेंट में भी नहीं बैठे हैं, वाई? बिकॉज वी वॉन्ट टू गिव समथिंग टू आर कम्युनिटी, टू आर पीपल, सो एनी वन कैन से वॉट एवर, बट इन दी एंड दे हैव टू जस्टिफाई क्यू, एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव सम ऑफ दीज पीपल वेरी मच इम्पोर्टेंस, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, दे वर इम्पोर्टेंट, दे वर हैव फॉट फॉर इलेक्शन, don't give them very much importance. I love Shidam, I have known him since Congress days. No problem, he's got every right to form a party. Party khulna mushkil nahi, newspaper khulna bhi mushkil nahi, TV channels khulna bhi mushkil nahi, chalana aur maintain karna problem hai. Aap log bhi jante hain, aapko advertisement nahi milega to kaise chalega? দিখা দেন বেঠে বাত করেনে কাগজ তো আ যায়। लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अगेंस्ट अगेंस्ट द ट्राइबल पीपल्स इंटरेस्ट, इज ओनली दैट अभी मणिपुर में प्रॉब्लम हुआ है तो उसके लेके थोड़ा डिले हुआ है, बट
जब तक कागज हाथ में नहीं आए मैं कैसे बोलूं कि ये ठीक है वो ठीक। मुझे अपने लोगों का, कम्युनिटी का, वेल विशेस का और अपना स्टेट का कृपा का, आई वॉन्ट गुड फॉर द पीपल, सो लेट देम गिव इट टू अस इन राइटिंग, वी विल थिंक अबाउट। सिर्फ त्रिपुरा के साथ तो बात नहीं हो रहा है, नागालैंड के साथ भी बात हो रहा है, मेघालय में भी बात हो रहा है, ईएनपीओ के संग भी बात हो रहा है, सिर्फ त्रिपुरा के साथ तो बात नहीं हो रहा है, पांच छह स्टेट्स के साथ बात हो रहा है। तादের বক্তব্য যে ত্রিপুরা সরকার তাদের সাথে মানে কোনো মানে স্বপ্ন দেখে দিয়েছে, শুধু স্বপ্ন দেখে দিয়েছে আর কিছুই করেনি, তাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যার কারণে তারা অন্য দলে যোগদান করেছে, এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন? না, আপনার নাম অজিতবাবু, কিন্তু পলিটিক্স মে হোগা না, আপ জব এক পার্টি সে দুসরা পার্টি মে যায়েগা তো আপকো জাস্টিফাই করনা পড়েগা না, তারা অভিযোগ করছে যে আপনি স্বপ্ন দেখেছেন বাকি কিছুই করেননি। মোদি জি কা ভি সপনা হ্যায়, মেরা ভি সপনা হ্যায়, आपका भी सपना है, ठीक है, लेकिन जब कोई एक आदमी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है कुछ तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप भी तो इतना सीनियर जर्नलिस्ट, जब मैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, कोई दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में जाएगा कुछ तो बोलना पड़ेगा कि ये पार्टी अच्छा नहीं था इसलिए मैं यहाँ गया, तो बोलना होगा। लेकिन मैं तो उजेंदा पैलेस को मरम्मत करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नीर महल को वापस लेने के लिए तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक गरीब तिपरासा जो गांव में है जिसका बच्चा को भविष्य को ठीक करना है उसके लिए बात कर रहा हूँ। अगर वो सपना देखना पाप है तो वो मैं सपना रोज देखूँ, अगर एक गरीब तिपरासा को अधिकार देने का सपना गलत बात है तो मैं ये गलती रोज करूँगा, बिकॉज माई ड्रीम इज टू गिव समथिंग टू माई पीपल, माई ड्रीम इज नॉट समथिंग टू गिव टू सम फ्यू पीपल। বিরোধী পক্ষ যদি প্রমথাকে বলে যে রাজ্যের ভূমিপুত্র ত্রিপুরাসা জাতিদের প্রমথা স্বপ্ন দেখিয়েছে, তাহলে কি আমরা মনে করতে পারি সংবিধানের দুই এবং তিন দ্বারা এটাও স্বপ্ন, ইজ ইট ড্রিম? একটা বিপক্ষ রাজনীতি দল বিভিন্ন কায়দায় ত্রিপ্রমথার যে ন্যায্য দাবি দেওয়া গুলা এগুলি দাবিয়ে রাখার একটা অপচেষ্টা, আমরা এগুলি কন্ডেম করি। আর কিছুক্ষণ আগে আপনি যেটা প্রশ্ন করেছিলেন, সম্প্রতি টিএসপি নামে একটা আঞ্চলিক সংগঠন ওরা বলেছে ত্রিপুরামথার সঙ্গে নেই, অথচ ওরা পৃথক ত্রিপুরা রাজ্য গঠনের পক্ষে, ত্রিপুরামথা এখনো পৃথক ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে, সংবিধানের দুই এবং তিন এই ধারাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা লড়াই সংগ্রাম করছি। আমি একটা জিনিস পরিষ্কার করে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে কোনো ধরনের রাজস্ব প্রশাসনে তাদের বক্তব্য মতে সংকট আসবে না, কোয়েশ্চেন ডাজ নট অ্যারাইজ, ওরা তাদের কায়দায় প্রসেস হোক। আমরা রাজস্ব প্রশাসন নির্বাচিত 2021 সালের এডিসি নির্বাচন, যে নির্বাচিত মণ্ডলীয় এডিসি সদস্যরা, আমরাও আমাদের কায়দায় এডিসিকে সংকট মুক্ত করার জন্য সর্বস্ব প্রস্তুত রাখছি, কোনো ধরনের সংকট আসবে না। আচ্ছা, এক সওয়াল আপনি আচ্ছা বলা যে বিদ্যমান, আপকো ক্যা লাগতা হ্যায় কি সিরফ টিপরা মথা লড়া থা ইয়া টিএসপি লড়া থা 2021 মে? আইএনপিটি ওয়াজ ফাইটিং, আইএনপিটি কা দো ইলেক্টেড মেম্বার্স, তো আপ কেসে বল সকতে? थोड़ा सा होमवर्क, थोड़ा सा कानून कायदा करके अगर कोई प्रेस स्टेटमेंट दे तो सीरियसली लिया जाए, इसको सीरियसली लेने का कोई दरकार नहीं। होम मिनिस्ट्री के साथ मोर्चा का जो मीटिंग करने के बाद आप मैसेज दिया था आपके टू मंथ अच्छे खबर सुनाना वाला, तो मैं अच्छी खबर सुना ये बात पॉजिटिव तरीके से चल रही है। देखिए, हम लोग तो यहाँ में मैगी नहीं बना रहे हैं कि दो मिनट में रिजल्ट दिखे, यहाँ में तो ये लंबा प्रोसेस है, तो ये लंबा प्रोसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी चैलेंजेस है। G20 होगी, अभी कनाडा के संग प्रॉब्लम है, मणिपुर में इतना वायलेंस, तो मुझे भी तो समझना है कि अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों डिनाई करे। मैं तो विश्वास में चलता हूँ कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हम सबका होम मिनिस्टर है,
और अगर नहीं दिया तो डेमोक्रेसी में हमें पूरा अधिकार है फाइट करने का। डेमोक्रेसी में संविधान में जो अधिकार दिया गया है वो जैसे जगदीश बाबू ने बताया, आपने कहा कि सपना दिखा रहे, मजुमदार बाबू ने बताया, तो आप वो आर्टिकल 23 निकाल दीजिए संविधान से, सपना टूट जाएगा। लेकिन जब तक वो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको आप सपना नहीं बोल सकते। एंड आई एम वेरी होपफुल दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो वेल अप्राइज दैट समथिंग गुड शुड हैपन टू द इंडिजिनियस पीपल। लेकिन मैं जब दिल्ली जाकर बात कर रहा हूँ बार बार मुझसे क्यों मिल गए, कोई तो वजह होगा। तो निगोसिएशन में आप शांति से लेकिन रिस्पेक्टफुली अपना पॉइंट रखते हैं, वो लोग काउंटर पॉइंट देते हैं। सिर्फ मुझसे तो मुलाकात नहीं हुई, IPFT से मुलाकात हुई, आई बिलीव BJP के जनजाति लीडर के साथ मुलाकात हुई, समाजपति के साथ मुलाकात हुई, सिविल सोसाइटी के साथ मुलाकात हुई। तो सिर्फ हमने मुलाकात नहीं किया, अच्छा आप लोग सब, मैं बिना के आई जस्ट से दिस इन इंग्लिश, आप लोग कभी कभी, सब लोग नहीं कुछ कुछ लोग, आप लोग इतना डाउट करते, जब AK मिश्रा का नाम आया था वो नहीं आया तो सब ने मेरे ऊपर डाउट किया, ऑफिशियली नहीं आया, हाँ नहीं आया, सब ने डाउट किया मेरे ऊपर, ठीक है। जब AK मिश्रा हम सबसे मिले तो एक आदमी ने भी फोन करके नहीं बोला महाराज आपने ठीक बोला, अब कुछ और में आगे क्या हो रहा है, कहीं तो क्रेडिट दीजिए। मैंने ये बात मार्च में बोला था, मीटिंग जुलाई में हुआ, लेकिन जो मैंने बोला था वो तो हुआ ना, और अच्छे से हुआ, अच्छा कोई वायलेंस नहीं हो रहा, मैंने बंद का ऐलान किया, क्योंकि हम एक आवाज में, हम चाहते हैं कि ये आवाज दिल्ली भी पहुंचे कि वी आर वेटिंग बट वी आर यूनाइटेड, वी आर यूनाइटेड वी आर वेटिंग एंड वी डोंट वॉन्ट वायलेंस। ऐसा हमने फुल त्रिपुरा में नहीं किया, ADC एरिया में किया, वी वॉन्ट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट त्रिपुरा टू बिकम अनदर मणिपुर, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू डिस्टर्ब लॉ एंड ऑर्डर, वी हैव नथिंग अगेंस्ट एनीवन, वी वांट टू लिव पीसफुली, वी वांट टू प्रॉस्पर, वी वांट एवरीवन टू प्रॉस्पर, बट आई नो दैट देयर आर मेनी एलिमेंट्स हु विल डू दिस, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू कीप अ बैलेंस ऑफ कम्युनल हार्मनी। पूजा इज ऑल्सो कमिंग, आई वॉन्ट पूजा, इन ड्यूरिंग द पूजा एवरीबडी शुड सेलिब्रेट टूगेदर, सो वी वॉन्ट अ कम्युनल हार्मनी, बट वी आर गोइंग टू स्टिक फर्म our demand and we want some solution for the future, for the next generation, for the survival and existence of our people. I have two questions. One is this, recently you have written, always you say that talks are positive but there are elements in Agartala who are playing an individual, who are these people? In Twitter also we have. There are elements in Agartala, or are those elements within the your party? Or outside parties? Or everywhere. Everywhere. Bad elements are everywhere. No. You are categorizing bad elements in Agartala. Yeah, I'm telling you in Agartala. Bad elements in Agartala are actually, the bad elements in Agartala don't want people who are living in the villages to prosper, whether it is tribal, Hindu, Muslim, Christian, Bengali, Manipuri. They don't want them to prosper. Everything is Agartala centric. And I don't think that the real Tripura lives in Agartala. The real Tripura lives in the town, in the gram. So, यहाँ में कुछ लोगों का इंटरेस्ट है कि डेवलपमेंट ना हो, किसी को फोन करके रात के 11 बजे पॉलिटिक्स करते हैं, फोन का पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। अगर आप हमारा भला चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा जो भाषा का आंदोलन काउग्रू कॉक तिपरासा काउ तिपरासा जो भी आप बोलना चाहें, हमको अपना भाषा अपने अधिकार, वी वॉन्ट टू राइट माई ओन स्क्रिप्ट वट एवर वी चूज। तो यहां में अगरतला में बैठकर कुछ इंटेलेक्चुअल डिसाइड करेंगे कि नहीं होगा, वो कौन होते हैं, क्या उसको किसने ये अधिकार दिया कि डिसाइड करने के लिए? जब 95% 98% ऑफ आवर पीपल वॉन्ट टू राइट इन वन लैंग्वेज, आप कहां के शहनशाह है कि हमें बोल सकते कि आप ही लिखे? तो दीज आर एलिमेंट्स विच वॉन्ट टू डिनाई, जबकि आई नो पिनाकी पीपल लाइक यू, यहां में आप लोग हैं, यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन यूनिवर्सिटी दे टीचिंग,
So there are elements in Tripura which want to create पुराना जमाना जैसा एक कॉम्युनल स्ट्राइक, बट मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज का किप्रासा यूथ, दे नो देयर प्रॉब्लम इज नॉट एनी कम्युनिटी, देयर प्रॉब्लम इज लैक ऑफ खानसा विद इन देयर ओन कम्युनिटी. एंड टुडे इफ अ पर्सन फ्रॉम बंगाली कम्युनिटी इज अनएम्प्लॉयड, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ किप्रासा नौकरी छीन रहा है, आपका पॉलिसी में ही, स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी में ही प्रॉब्लम है कम्युनिस्ट के टाइम्स. तो एक दूसरे को ब्लेम करकर हमको कुछ नहीं मिलेगा. आप हमें समर्थन कीजिए, हम भी आपके संग हैं, वी आर नॉट एनीबडीज एनीमी. डिलिमिटेशन इज एब्सोल्यूट मस्ट. डिलिमिटेशन इज हैपन इन असम, इट विल हैपन हियर. वी आर द सन ऑफ द सॉइल, यू विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 70 इयर्स. But do you want to have more people coming to Tripura? Bangladesh is not a stable country. Do you want more and more people to come here? We should get together and stop illegal migration happening from Bangladesh. If today Tripura has a problem, the Tiprasas have a problem, it is not from the Bengalis. If the Bengalis have a problem, it is not from the Tiprasas. It is from cross-border migration, illegal migration coming. Do you want them to come and say, "Aao, Atithya Devo Bhava"? Lakhs and lakhs of Rohingyas are in one part of Bangladesh. You want them to come here? Vote bank politics ke liye aapko lana hai? National security bhi kuch cheez hota hai. So we should get together and oppose it. पहला स्टेप तो शुरू करें बंद, एंड प्रेशर रहना पड़ता है क्योंकि वी आर स्मॉल स्टेट, सब लोग भूल जाते हैं. मैंने कहा ना, पीपल वॉन्ट टू स्पेकुलेट, स्टॉक मार्केट तो है नहीं. आपका पार्टी का लाइन लेना पड़ता है, पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट. अच्छा, शांति से हम बोल रहे हैं, हमने तो नहीं बोला है कि जाके किसी के दुकान को, हमने तो अपील किया है कि प्लीज सपोर्ट इन द बंद, आवाज का सपोर्ट. हमने तो नहीं बोला है कि हम बंद करेंगे, हमने बोला कि आप हमको सपोर्ट कीजिए और बंद कीजिए. हमने ये इलेक्शन के टाइम मीटिंग हुआ था अलायंस के लिए, मैंने कहा था जब तक राइटिंग में नहीं होगा नो अलायंस. मैं आज भी बोल रहा हूँ कि हमें सिंसियर अलायंस से पहले हमें अपने जनजाति को एक कॉन्स्टिट्यूशन से वो देने के बाद व्हाई नॉट, बट उसके पहले तो रीसेंट बाय इलेक्शन, रीसेंट बाय इलेक्शन में तो अमित शाह बैठ गई, बट नॉट फॉर द इलेक्शन, वी डिडंट फाइट द इलेक्शन. हमने तो इलेक्शन फाइट ही नहीं किया घनपुर में और बक्सर नगर में. आज तो कोई हमको अक्यूज नहीं कर सकता ना कि हम वोट कटवा पार्टी है. फ्री एंड फेयर डायरेक्ट फाइट था बिटवीन सीपीएम सपोर्टेड बाय कांग्रेस, इंडिया अलायंस एंड बीजेपी. रिजल्ट आपको मालूम पड़ गया. रिगिंग हुआ या ना हुआ, ठीक है, एक बात है कि लार्जेस्ट पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी ने कंसल्ट नहीं किया,
इंडिया अलायंस का बिगर पार्ट में कांग्रेस पार्टी उनसे भी कंसल्ट नहीं किया, बिना बोल के अनाउंस कर दिया कैंडिडेट। आप लोग बोलते हैं कि यूनाइटेड अपोजिशन, और आप बिना पूछ के आप कैंडिडेट अनाउंस कर देते हो और उसके बाद बोलते हो भाई रिगिंग होता है जब आप डरते हो। एबीसी इलेक्शन में हम लोग अपोजिशन में नहीं, मेरे ऊपर अटैक नहीं हुआ, हमने फाइट नहीं की। कांग्रेस का जब प्रेसिडेंट था कितना रिगिंग हुआ, इलेक्शन कमीशन ने 167 बूथ में पोलिंग कराए, हम लोग 1% से 27% चले गए, सीपीएम 55% से या 60% से 19% आ गए। क्यों? आपके ऊपर जब अटैक होता आप डर के भाग जाते हो, आप अपने वर्कर को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तृणमूल कांग्रेस भी आप बोलिए, जो भी बोलिए, लास्ट ईयर जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ दे फॉट, अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दे फॉट, मां मार खाया तो फाइट किया। ये लोग तो जब पावर में नहीं है तो एकदम दूसरा कमीशन निकल जाता है। अटैक क्या सिर्फ सीपीएम को होता, हम लोगों को नहीं होता। इतना साल सीपीएम पावर में था, रिगिंग का जो ब्लू किताब है, ब्लैक बुक है, रिगिंग का कैसे रिगिंग करना चाहिए वो तो सीपीएम पार्टी ने लिखा है। वेस्ट बंगाल हो, केरला हो, त्रिपुरा हो, इट्स अ डिसाइडेड सीपीएम। आई फील बैड फॉर सीपीएम, बट दे शुड हैव कंसल्टेड द कांग्रेस पार्टी, दे शुड हैव कंसल्टेड अस बिफोर अनाउंसिंग, दे डिड नॉट कंसल्ट अस, दे जस्ट वेंट एंड अनाउंस्ड इट। सो वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट फॉलो सीपीएम पार्टी जस्ट बिकॉज़ दे थिंक दैट वी आर नॉट इन द गवर्नमेंट, दैट हम लोग ऑटोमेटिकली जाएंगे। ऐसा कांग्रेस से पूछते, हमसे पूछते, असेंबली इलेक्शन के टाइम कांग्रेस से बिना बात करके 47 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। तो थोड़ा सा पावर में नहीं है आप, थोड़ा सा जमीन में आकर सबके साथ बात की। बट बंद इज अ स्टेप टू ब्रिंग इन टू ब्रिंग अटेंशन सो दैट वी कैन ब्रिंग इज अ मूवमेंट राइट। समटाइम्स व्हेन यू से to the leader, I am against you, you are not necessarily against, but you are telling the leader to pay attention. This is what you bol rahe. We are trying to bring attention to the government of India, because solution can never be through guns, but the Nagas are carrying guns. Government of India is talking. MNF was using guns, government was talking. Vijay Rangol had PNB, गवर्नमेंट राजीव गांधी इसको, हम लोग तो बंदूक नहीं उठा रहे, हम तो पीसफुली कर रहे हैं। हड़ताल इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। आपने मुझे बॉयकॉट किया, इज दैट अ सॉल्यूशन? नो। मेनी पीपल बॉयकॉटेड मी, बट इज दैट अ सॉल्यूशन? नो। बट इट इज टू ब्रिंग अटेंशन टू व्हाई दिस इज हैपनिंग। आई सपोर्ट द वुमेन रिजर्वेशन बिल, but the way it is being implemented, I think it should be implemented in 2029. Women reservation bill absolutely should be implemented. I support India's position on Canada. Canada cannot keep Khalistani terrorists and then expect India to do tom-tom chocolate diplomacy. I support India's foreign policy. When it comes to foreign policy, I support women's reservation bill in within the country, and I absolutely support the India's reaction to Canada. But do you think that it should be implemented after the delimitation and the caste survey is conducted? I think it should be implemented in 2029. Jitna aap women ko piche rokoge, utna make up karna mushkil. Why not 24? I don't think it's possible because aap log ne census hi nahi kiya. Ab main bolunga, dekhiye abhi main bolunga, just to manoranjan kisi ko karne ke liye nahi hoga. Pehle census aa jaye. और डिलिमिटेशन में एक चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया को 150 सीट एक्स्ट्रा मिले, साउथ इंडिया को 20 सीट एक्स्ट्रा मिले और नॉर्थ ईस्ट को 2 सीट एक्स्ट्रा मिले। तब तो यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान ही
डिसाइड कर लेगा कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, हम लोगों को कोई सुनेगा नहीं। तो डिलिमिटेशन ऑल्सो शुड बी प्रॉपरली वेयर रीजनल geographical representation has to happen. There is a demand also coming. 2011 there was a CASA. The report has not been clear published. 98% it is correct, and the changes that was done, it is pending in the Supreme Court. What is your view? Let the Supreme Court decide. हम बोलेंगे तो Supreme Court बोलेगा क्यों आपने decide? No. 98% the changes have been made which were demanded from the states. But ultimately the CASA review was not. 2011 it was Congress government. So they should have taken a decision. 125th amendment that we are asking for was under Congress government. They didn't decide. Now this government is there. Point is, both sides have their role. 10 years Congress was in power. Why didn't they give us some solution? So now these people are there for 10 years. We want some solution. If they give it, great. If they don't, then durbhagya hai hamara ki hum log. Sir, aapne ki BJP ke samarthan par I support only those people who support my Tiprasa. Okay. My support and my loyalty is with my Tiprasa people. You support my Tiprasa people, I'll support you. If you don't support my Tiprasa people, then I'm sorry. ग्रेटर पिपरा लैंड बोल दिया आयु लॉकथोम ग्रेटर पिपरा लैंड आंथुई ओंखा तुपरा हानी बाबू ग्रेटर पिपरा लैंड आयु लॉकथोम बोल दिया। अब रोज मैं पैलेस के ऊपर उठ के बोलूंगा, बोल दिया मैं, अभी बोलू मैं, डरता नहीं हूं, लेकिन मुझे भी समझना है कि मेरा लोगों को, मेरा पिपरा का लोगों को उनका भी कष्ट है, मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये मेरा फाइट नहीं, ये इनका फाइट है। मैं तो सिर्फ एक ब्रिज हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपना टीपा सेंटर। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव समथिंग टू माई पीपल, दैट्स इट। एंड इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट मेवा राजेश्वर जल्दी, एवरीबडी वॉन्ट टू गिव, इवन यू आई एम श्योर यू वॉन्ट टू हेल्प अस। तो डोंट वरी अबाउट दैट। कांग्रेस सर मैं कैसे सुनूं तो मॉन्टा में प्रॉब्लम सॉल्व डन था। अब तुम सही आओगे।